Welcome to this video about Central University of South Bihar, and if you are planning to take admission here, then this video is for you. So let's start with academics part. I did my MSc in life science from this university. So the faculties are good and they actually teach, and यहाँ पे lab facility भी बहुत सही है, because छोटा सा lab है but most of the instruments are available in the lab. This university is strict with its attendance policy. So यहाँ पे minimum 80% attendance maintain करनी होती है. Now if I talk about the composition of the students, तो बाहर के state के बहुत बच्चे आते हैं. I've seen students from Odisha, West Bengal. So काफ़ी बाहर के बच्चे आते हैं एंड काफ़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द हॉस्टल एंड कैंपस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत सही है, बट मुझे थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगा, बट दैट्स मैनेजेबल. बट जो मैनेज नहीं हो पाती है इज़ दैट द सीट्स इन द हॉस्टल्स आर लिमिटेड एंड दे प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, एंड डिपार्टमेंट वाइज बैच वाइज नंबर ऑफ सीट्स डिवाइडेड रहता है. तो मेरे बैच के नसीब में 10 या 12 सीट्स आए थे, तो हॉस्टल मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन CUSB, देन यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली दैट आपको डे वन में आकर के पहला चीज़ करना है कि आपको रूम ढूंढना है. सो अगर आपको कैंपस के बाहर रूम देखना है, यू शुड नो कैंपस कहाँ सिचुएटेड है. सो आई हैव मेड दिस सिंप्लीफाइड मैप टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड से उतरते हो, देन यू विल गेट इन टू दी गया मेन सिटी, बट यू हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी. सो आप उल्टा साइड, दैट इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 6, विच इज़ ऑल्सो नोन एज देल्हा साइड ऑफ द प्लेटफॉर्म, आप वहाँ पे उतरो, देन यू विल गेट मैनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस विच विल टेक यू टू द यूनिवर्सिटी. आपको ऑटोज बस सब मिलेगा, देल्हा, गुजापी, पंचानपुर, टिकारी, दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे आपको रहने के लिए रूम्स मिल जाएगा. And also they have a nearby marketplace. So most of the essential things you will get in the market itself. And market काफ़ी ज़्यादा evolved हो गया है because यहाँ पे students रह रहे. And you can just visit the shop owned by this cute couple. She is very helpful and उनसे तो गप्पे लड़ाने में भी बड़े मज़े आते हैं. And also she stitches clothes. So I got this थोड़ा सा घर वाला vibe after talking with people of Gaya. Personally मुझे तो बहुत पसंद आया बिहार and बिहार के लोग and its culture. बाकी घूमने फिरने का if I talk, then इधर from Gaya you can visit बोध गया, which is like 2 घंटे का journey in auto. That place is amazing. बड़ी शांति feel होती है inside the temple. Then you have Vishnupad temple. Then you have a Shakti Peeth here. So you can just visit these places. Baki, I think I have covered everything about this university. जो भी doubts मेरे को आए थे before taking admission. But if you still have any query, you can just comment down below and I will try to answer.